हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मानसा एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आज भी मानसा दिन के बीच में दुड़िया के अलावा भी रोमांस देखने को मिलेगा। ये फ्रेंड्स, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं उसके पहले पता दूँ, अगर आप हार्ड रोज इस मानसा अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड स्टार्ट होता है कि अनुप्रिया माता रानी के त्रिशूल लेकर अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि आज अगर एक माँ अपने बेटे को विश्वास नहीं जीत पाए तो वो अपने आप को ख़त्म कर देती है, और इससे ज़्यादा पनिशमेंट उसके लिए और कोई नहीं हो सकता। अगर एक सौतेला माँ अपना सौतेला बेटा को अपने खुद से भी ज़्यादा प्यार दिया, और ये कहकर वो अपने आप को त्रिशूल मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त वो अपने आप को वो त्रिशूल मारने के पहले वांस हाथ दे देती है उसके आगे, और वांस के हाथ में चोट लग जाती है। तब उनके कहते हैं, तुम मुझे क्यों माफ़ कर दिया और तुमने अपने आप को क्यों छोड़ दिया। तो वहाँ से पूरी फैमिली वहाँ से चले जाती है और वहाँ रिधिमा और अनुप्रिया अकेले रह जाते हैं। और अनुप्रिया आकर कहती है, एक लड़की जो कल ही एक घर पे आई है वो मेरे लिए मेरे वांस का जो विश्वास वो नहीं छीन सकती, और अगर इसी तरह तुमने कुछ कोशिश की ना तो तुम्हें इस घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने दूंगी। इधर तुमने देख लिया कि वांस मुझे कितना विश्वास करती है, और एक कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और तब देखा था कि अगले सीन में रिधिमा अपने रूम में आती है और वहाँ वांस भी रहती है। तो वांस कहते हैं कि मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, और बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन रिधिमा वहाँ से नहीं जाती है और कहती है, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक मैं तुम्हारे हाथों के जो चोट लगी है वो बैंडेज ना कर दूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो वांस उसे बहुत ही गुस्सा करती है और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रिधिमा से रोक देती है और कहती है कि तुम्हें बैंडेज करना होगा। तो वांस उसे कहती है कि तुम हर वक्त मुझे डांट देते हो और तुम ये जानते हो मुझे कैसे डांट दे सकते हो, लेकिन अंदर का जो दर्द है उसका क्या होगा। और वांस रिधिमा से हेल्प लेने की इनकार तक कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बैंडेज की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन रिधिमा उसे रोक देती है और दोनों के बीच में एक आई लव मोमेंट क्रिएट होता है। तब रिधिमा कहती है कि मैं तुम्हारा बेबी हूँ और मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ और मैं तुम्हारा दर्द को भी महसूस कर सकती हूँ, और ये भी कहता है कि जो सबसे ज़्यादा करीब होता है उसे एक हक होता है कि वो उसे दर्द दे सकते हैं, और वो वांस को बैठा देती है। और चंचल बहुत ही खुश है, जाकर आर्यन की कहती है कि हम आप बहुत ही शांति से झूलड़े पहन सकते हैं, क्योंकि हमने तो लगा था कि हमारा साथ बाहर आने वाला है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया और माता रानी हमें बचा लिया। लेकिन आर्यन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कहते हैं कि हम दोनों को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो रिधिमा सिर्फ बहुत ही कम दिन में यहाँ आई और उन्हें अनुप्रिया का सच पता चल गया, तो हमारा साथ चलने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों का चंचल कहते कि हाँ, तो वो तो तुमने ठीक कहा। और आर्यन कहते हैं कि अनुप्रिया के साथ जाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल भी किया है, तो अनुप्रिया हर वक्त बांस और अनुप्रिया की करीबी रह चुकी है और रिधिमा भी बांस की बहुत ही करीबी रह, लेकिन अनुप्रिया को माफ़ कर दे क्योंकि वो उसकी माँ है, लेकिन हमने उनका सजा कर बांस के सामने आ गए ना वो हमें ख़त्म कर देंगे। तो आर्यन कहते हैं, आप रिलैक्स करो और इतना परेशान मत हो और हमें कुछ नहीं होगा, हमें सावधानी में रहना पड़ेगा। और वहाँ रिधिमा वांस की बैंडेज कर देती है और बैंडेज करने के बाद बैंडेज करने लगती है और दोनों के बीच में मोमेंट क्रिएट होता है। वांस उसकी तरफ देख रही होती और वांस कहते हैं कि जो कारवी होती है वो एक दूसरे से विश्वास करती है, एक दूसरे को पेन नहीं देते। रिधिमा कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। तब वांस उठती है और कहती है कि तुम रागिनी के बारे में छानपूछ क्यों कर रहे हो और रागिनी के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हो। जो सुनकर रिधिमा चुप हो जाती है और उसके साइलेंट देखकर वांस उसके हाथों से बैंडेज निकाल देती है और कहती है, तुम्हारा ये चुप रहना है सब कुछ बोल देती है, और मैं कुछ भी कर लो कुछ भी कह लो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा। और वांस ये भी कहती है कि मैं तो इस वजह से कितने और साथ छूने मुंह से छुपा कर रखा है, और जब तक हम लोगों के बीच में ये विश्वास नहीं पैदा होता तो हम अपना रिश्ते को आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है और रिधिमा कुछ बोलने की मौका ही नहीं देती। बेचारा रिधिमा बहुत ही रो रही होती है वह रूम में खड़ा खड़ा, और ये सोच रही होती है कि जब मैं पाँच के दिन में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करती तब सब कुछ एक चुटकियों में एक हवा आकर सब कुछ बदल देती है, क्यों ऐसा हो रही है कि हम दोनों के बीच में दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है।
और कहते हैं कि हम दोनों बीच में ये दुनिया कर खड़े होगा। और वहाँ पांच साल सिया की बात हो रही है। सिया बहुत साथ मिल रही, वो कैसे आप पता होगी। वहाँ सोचती है कि हम पता था कि रिधिम हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ओनुप्रिया का ये बेटा वाला सच ऐसे सबके सामने आएगा। और वो कहते हैं कि हम जब बोलते थे कि सीधा शाम पे आएगी, तब रिधिम बोला कि वो दुबई के लिए निकल चुकी है। और ये सब कुछ उस सिया के साथ बात कर रहे थे। सिया तब कहते हैं कि मैंने बहुत ही शॉक हो गया था जब रिधिम किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रही, वो भी रागिनी के बारे में। और तब फ्लैशबैक में दिखा रही है कि रिधिम फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी ऊपर रागिनी के बारे में, और वो सिया सुन लेती है और सुनकर वो वांस को बता देती है। और यहाँ वांस कहते हैं कि रिधिम बहुत कुछ छुपा रही है और हम वो सब कुछ नहीं जान पाते अगर तुमने रिधिम और माँ की बात नहीं सुनती। क्योंकि जो अनुप्रिया और रिधिम की बात सुन रही थी कि अनुप्रिया ने उसकी मॉम की पेंटिंग को जला दिया, वो सिया थी। और सिया या अनुप्रिया को कुछ नहीं कहने वाला। और वो वांस को कहते ही आप कुछ भी बोल लो, लेकिन रिधिम हबी ने आपके लिए बहुत कुछ किया और आपके बहुत ख्याल रखा और आपके जान भी बचाई क्योंकि आपने आपको लेकर। तो वांस कहते वो इतना सब कुछ छुपा कि सिया कहते कि एक साथ छुपाना ही बेहतर है जैसा मॉम के बेटे के साथ। तो वांस कहते तो कि रिधिम ने रागिनी के बारे में पूछताछ की कर दी। तो सिया कहते शायद उसे रागिनी से उनसे क्यों फिर होता है, क्योंकि कोई पत्नी चाहिए नहीं चाहिए कि उसका पति के लाइफ में कोई और लग गया है। और वहाँ से कहते हैं कि प्यार में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिधिम मुझे विश्वास नहीं करती। और वहाँ रिधिम मंदिर में बैठी होती है और माता रानी के सामने वो चूड़िया देख रही होती है जो वांस ने उसे पहनाया था। और वो सोचती है कि वांस के लिए एक लाल रंग धोखे की रंग है ना, लेकिन मेरे लिए एक प्यार का रंग है। और माता रानी के सामने ये कह रही होती है कि मैं अपना ज़िंदगी के एक और नया शुरुआत करना चाहती हूँ। और वहाँ को धोखे और कोई की कुछ चाहिए नहीं है और इसके लिए मैं आपका शरण हो रही हूँ। और माता रानी के सामने हाथ जोड़ती है। तब वहाँ दादी आती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो और ये अपना आंसू वेस्ट मत करो। और वो कहते हैं कि वांस के लिए अपना परिवार बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और वो भी आप उस परिवार का हिस्सा है। दादी उसे कहती है कि तुम वांस के हर सुख में उसके साथ रहो और उसके हर मुसीबत में उसे बचाते रहो। तो रिधिम कहते हैं कि मैं हम दोनों के बीच में दुनिया ख़त्म करने के लिए कुछ भी करूँगी और किसी भी हद तक जाऊँगी। तो वो किस हद तक जाने वाले, वो तो आने वाले भी जिन्हें बच्चे रहेंगे। तब वो भगवान का आगे अपना सर चुकाती है और उसके सर पर एक माता रानी का फूल आ जाती है जो देखकर दादी कहती है कि लो माता रानी का आशीर्वाद भी मिल गया। दादी कहती है कि लो तुम आप नवरात्रि के लिए तैयार हो जाओ और नवरात्रि के लिए आरती छाता लो और जो भी सामग्री लाएगी वो बैकार में है, वो तुम वहाँ से ले सकते हो। और जब उसका खरीद मको लेने के लिए चाहती है तो उसका फ़ोन नहीं होता है और उसके घर का नाम पर सेव एक्चुअली वो काबिल का नंबर है। और दादी वो फ़ोन उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन रिधिम उसे रोक देते हैं, कहते हैं कि दादी आप चलिए बहुत लेट हो रहा है। और फिर रिधिम वो फ़ोन उठाती है और काबिल उसे कहती है कि अगर उसने बांसल किला साबुत नहीं ढूंढा 7 दिनों में तो उसका जो सस्पेंशन लड़ है वो हमेशा के लिए वो सस्पेंड हो जाएगी। तो वो रिधिम को प्रेशराइज करते हैं कि तुम बांसल किला कोई साबुत ढूंढो। तो रिधिम बहुत ही विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली क्योंकि मुझे पता है वांस कुछ नहीं किया और वांस ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वांस इनोसेंट है। तो जो सुनकर काबिल को गुस्सा आते हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं ठीक है अगर वांस इनोसेंट है तो उसका प्रूफ भी तुम बोलोगे। तब रिधिम कहते हैं कि मुझे पता है वांस ऐसा कुछ नहीं कर सकते और वांस किसी का जान नहीं ले सकते। तो ये बात कर रहे होते और किसी ने उसके ऊपर नज़र रख रही होती है और यहाँ से इज्जत खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप ये मत कहिए कि आज की इज्जत आपका अच्छा नहीं लगेगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का इज्जत आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग।